हाई एवरी वन, दिस इज द 12th पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। और आज के इस पार्ट में हम जो पेंडिंग क्वेश्चन थे सी प्लस प्लस के ऑपरेटर्स के, उसको हम देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ये है, इसमें हम एक एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करवाएंगे। सो आप देखिए, इसमें हमने x की वैल्यू को क्या लिया है 5 एंड y की वैल्यू को हमने लिया है 6। एक्सप्रेशन हमारा है x और y एंड 0। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे। इसके कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यूज हैं उन्हें हम फिल कर लेंगे। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, सो हम इसे फिल कर लेंगे। उसके बाद अब इसके अंदर दो ऑपरेटर हैं, सबसे पहले हमारे पास और फिर है हमारे पास एंड। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने से पहले हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू 5 है तो हम उसको मानेंगे कि ट्रू है। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को हम ट्रू लिखेंगे और कोई भी जो जीरो वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी है उसे हम फॉल्स लिखेंगे। सो इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है तो उसके लिए हम ट्रू लिख लेंगे, और अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट जीरो वैल्यू आ रही है तो उसके लिए हम फॉल्स लिख लेंगे। अब इन दोनों ऑपरेटर में से पहला ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होगा, लॉजिकल एंड की प्रायोरिटी और से ज़्यादा होती है, इसीलिए हम इस वाले सेक्शन को पहले सॉल्व करेंगे। सो ये सेक्शन हमारा पहले सॉल्व हो जाएगा। सो जब हम ट्रू और फॉल्स को एंड को कैलकुलेट करने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए देंगे तो ये हमें आंसर देगा फॉल्स, क्योंकि एंड हमें तभी ट्रू आंसर देता है जब दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी ट्रू होती है। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू लॉजिकल और एंड फॉल्स। ठीक है, सो अभी लॉजिकल और क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स को जब देखेगा और एनालाइज करेगा सो हमें आंसर क्या देगा, ट्रू। सो हम अगर किसी भी इंटीजर वैल्यू वेरिएबल के अंदर अगर हम ट्रू को स्टोर करवा रहे हैं तो उस केस में हमारे पास 1 स्टोर हो जाएगा, और अगर हमें किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को बुलियन ले रखा है तब हम ट्रू को स्टोर करवा पाएंगे। सो जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, ट्रू एज अ बुलियन वैल्यू एंड 1 एज अ इंटीजर वैल्यू। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम एक एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमारे पास प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का वैल्यूज को फिल करने के बाद इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देख लीजिए, वैल्यूज कौन कौन सी हम लेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, बी की वैल्यू हम 19 लेंगे और सी की वैल्यू हम 13 लेंगे। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने एक्सप्रेशन को लिख लिया और एक्सप्रेशन की वैल्यूज को फिल कर लिया। एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ को फिल करने के बाद हमें पता है कि जो हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, क्योंकि ये तो अपने जितनी भी इंक्रीमेंटेड वैल्यू है उसको 1 स्टेप के बाद शो करेगा। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास प्री है इंक्रीमेंट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम प्री इंक्रीमेंट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 14। और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम ही रहेंगी क्योंकि इनको कौन सा मिला हुआ है, इनको पोस्ट इंक्रीमेंट मिला हुआ है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। फिर 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, 19 की वैल्यू 19 ही रहेगी, 13 हमारे पास 14 ऑलरेडी बन चुका है। अब हमारे पास दो ऑपरेटर आ गए, प्लस एंड माइनस, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे और जो पहला ऑपरेटर हमारे पास अवेलेबल है प्लस, उसको सॉल्व करेंगे। सो 10 प्लस 19 विल बी 29, 29 में से हम 14 को माइनस करेंगे सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। सो 15 इज द आंसर आफ्टर द कैलकुलेशन। सो हम न्यू एग्जाम्पल देखते हैं एक और इस एग्जाम्पल में हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम कह सकते हैं कि इसके अंदर हमने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है। सो ए की वैल्यू हम क्या लेने वाले हैं, 10, और हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन जब स्टार्ट किया तो हमने लिखा है वाई इज इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस 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 ए प्लस 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 ए, इट मीन्स हमने 3 टाइम्स प्लस प्लस ए लिखा है। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए की वैल्यू को फिल कर लेते हैं जो कि हमारे पास है 10। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शंस क्रिएट हो चुके हैं। सो इन 3 सेक्शंस के अंदर हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम जाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये ऑपरेटर जो है वो है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है सॉल्यूशन की, राइट टू लेफ्ट। तो जब हम राइट साइड पे खड़े हैं तो राइट साइड पे जो ये 10 है ये जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। ओके, अब 11 हो चुकी है ए की वैल्यू। अब नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट कराएंगे तो अब कितनी वैल्यू हो चुकी है, अब 11 जो है वो 12 बन चुका है। अब थर्ड टाइम फिर से ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 13। इट मीन्स इंटरनली पहले इसको सॉल्व किया गया है और इंटरनली पहले 10 इंक्रीमेंट हुआ, 11 बना,
फिर ये 12 बना, फिर ये 13 बना. इट मीन्स फाइनली हमारे पास ए की वैल्यू 13 आ चुकी है. अब हम इसे कैसे लिखेंगे? क्योंकि हम इसको राइट टू लेफ्ट लेके गए थे, तो हमने राइट टू लेफ्ट जाके फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट किया है. कैलकुलेट करने के बाद अब इस फाइनल वैल्यू को हम सब जगह पे फिल करेंगे. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? 13 प्लस 13 प्लस 13. अब ये फाइनल वैल्यू 3 टाइम ऐड होगी और हमारा आंसर आएगा 39. इस तरह से अगर एक्सप्रेशन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना होता है. आपके पास अगर 3 बार हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है, या फिर 2 बार प्री इंक्रीमेंट है, या फिर 1 ही बार प्री इंक्रीमेंट है, तो आप प्री इंक्रीमेंट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और उसी वैल्यू को बाकी सारे जगह पर फिल करेंगे और फिर हमारे आंसर को कैलकुलेट किया जाएगा. सो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, इसके अंदर हमने यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया है और वो भी नेस्टेड वाला है. एक कंडीशनल के अंदर एक और कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ किया गया है. ठीक है, इसमें हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, प्लस हम ये देखेंगे कि ए की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है, 10, बी की वैल्यू ली है 20, सी की वैल्यू ली है 12. इट मीन्स आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इस एक्सप्रेशन के अंदर हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि इन तीनों वेरिएबल वैल्यू में से कौन से वेरिएबल की वैल्यू सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है या बड़ी है. ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना एक्सप्रेशन लिख लो. एक्सप्रेशन लिखने के बाद इसे एनालाइज करो कि सबसे पहले आप देखो कि कंडीशन का सेक्शन कौन सा है. तो ये सबसे पहले वाला जो सेक्शन है, ये कंडीशन का सेक्शन है. उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद जितना भी लिखा हुआ है, ये ट्रू ब्लॉक है. अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अब हम क्या करते हैं, अब इनकी वैल्यूज को हम फिल कर लेते हैं. फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेस्टेड वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं. नेस्टेड वाले ब्रैकेट में अगर हमने देखा कि 10 इज लेस देन 12, अगर हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि 10 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 12 है, यहाँ पर 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 12 है, नो, यहाँ पर 10 की वैल्यू 12 से ग्रेटर देन नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई. फॉल्स यहाँ पे हमने लिख लिया और जो हमारे पास टू वैल्यूज थी वो टू वैल्यूज को भी नोट डाउन कर लिया. उसके बाद हमने नेक्स्ट कंडीशन को देखा, 20 इज ग्रेटर देन 12, 20 की वैल्यू तो 12 से ग्रेटर देन है, तो इट मीन्स ये तो ट्रू है, तो यहाँ पे हमने ट्रू लिख लिया और उसकी वैल्यूज को यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लिया. अब हम क्या करने वाले, अब हम ये देखेंगे कि अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो फॉल्स कंडीशन पे इसकी फॉल्स वैल्यू को हम पिक करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो कंडीशन ट्रू होने पे इसकी ट्रू वैल्यू को पिक करेंगे. ठीक है, अब हम क्या करने वाले, अब हम यहाँ पे सारी चीज़ों को लिख के रख लेंगे, क्योंकि हमारे ट्रू ब्लॉक में से हमने ट्रू वैल्यू को उठा लिया और हमने अपने फॉल्स ब्लॉक में से अपनी वैल्यू को जो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो किया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया. मींस दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करके अपनी वैल्यूज को अपनी जगह पे लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे. कंडीशन हमारी क्या है, 10 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई. फॉल्स होने पे ये दो वैल्यूज हमने इसके साथ ही लिख दी. अब क्या किया, अब फॉल्स होने पे इसका फॉल्स सेक्शन एग्जीक्यूट होगा. जब फॉल्स होने पे फॉल्स सेक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20. तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 आई. हमने ये देख भी लिया कि हमारे पास ए की वैल्यू 10 थी, बी की वैल्यू 20 थी और सी की वैल्यू 12 थी. तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट होके एक्स वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गई है. तो आपको सॉल्व इसी तरह से करना होता है. सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करते रहेंगे सारी चीज़ों को, तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमेशा करेक्ट ही आएगा. सो ये थे हमारे एक्सप्रेशन सॉल्व करने की जितनी भी पूरी टेक्निक्स थी, पूरे मेथड्स थे, ये मैंने आपको सॉल्व करके दो वीडियोज़ में बना के बताए हैं. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम करेंगे मैनिपुलेटर्स, जो भी न्यू मैनिपुलेटर्स हमारे C++ में यूज़ होते हैं उन मैनिपुलेटर के बारे में मैं आपको न्यू वीडियो में बताऊंगी. तो अगर आप मैनिपुलेटर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा. थैंक यू सो मच.